प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को घर वालों ने पकड़ कर करा दी शादी। प्रेमिका की तबीयत बिगड़ने की खबर पाकर एक प्रेमी पश्चिम बंगाल से उसका हालचाल लेने झारखंड के धनबाद में पहुंच गया। इस दौरान प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी को पकड़ लिया। इसके बाद दोनों की एक मंदिर में शादी करवा दी गई। कहा जा रहा है कि पिछले 4 सालों से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़का लड़की के घर वाले आपस में रिश्तेदार हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के रहने वाले प्रेमी रोहित कुमार को जैसे ही पता चला कि उसकी प्रेमिका की तबीयत खराब है, वो बेचैन हो उठा। उससे मिलने के लिए सीधे धनबाद के झरिया के बोरागढ़ पहुंच गया। रोहित जब अपनी प्रेमिका काजल से मिलने पहुंचा तो उसके घर वालों ने उन्हें पकड़ लिया। इसी दौरान लड़की रोने लगी और जिद करने लगी कि वो रोहित से ही शादी करेगी। आखिरकार लड़की के घर वाले जिद के आगे झुक गए और शादी के लिए राजी हो गए। इसके बाद दोनों की बोरागढ़ के मंदिर में शादी करा दी गई। हालांकि शादी में रोहित के घर वाले शामिल नहीं हुए। वहीं कहा जा रहा है कि दोनों परिवार आपस में रिश्तेदार हैं और यही वजह है कि रोहित का वहां आना जाना लगा रहता था। पिछले 4 सालों से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसकी जानकारी दोनों के घर वालों को भी थी। हालांकि शादी के बाद रोहित ने अपने ससुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रोहित का कहना है कि पिछले 3 सालों से काजल के पिता ने उसका कोई ख्याल नहीं रखा, बल्कि कई बार उसे टॉर्चर किया जाता था। काजल का पूरा खर्च वही उठाता था। उसने बताया कि इसी बीच काजल की तबीयत खराब हो गई, लेकिन उसके पिता ने खर्च के चलते उससे बातचीत करना बंद कर दिया। इस बारे में जैसे ही उसे पता चला वो काजल से मिलने आया था। इसी दौरान उसके परिवार वालों ने उसे पकड़ लिया और मंदिर में शादी करा दी। हालांकि रोहित ने ये भी कहा कि उसे शादी के लिए किसी ने जबरदस्ती नहीं की, वो काजल से प्यार करता है इसलिए उसने शादी की और अब उसे अपने साथ घर लेकर जा रहा था। नामांकन प्रारंभ। MSP ITI कॉलेज भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 10वीं-12वीं के बाद सरकारी व गैर सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। कोर्स इलेक्ट्रिशियन और फिटर, मेन रोड पाटन प्लामू झारखंड।